इकोनॉमिक्स पेपर 2022। इस क्वेश्चन पेपर में नेशनल इनकम का एक सवाल पूछा गया था जो कि 5 नंबर का था और क्वेश्चन नंबर ये 11 था। और एक और सेट वन को मैंने सोल्व किया उसका न्यूमेरिकल, उसमें भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। कोई ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था दोनों ही क्वेश्चंस में, दोनों का लेवल लगभग बराबर ही था, दोनों में सेम चीज़ें ही कैलकुलेट करनी थी, ऑपरेटिंग सरप्लस और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था। तो एक बार आप डाटा देख सकते हैं सब कुछ, इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को किस तरह से इजीली सॉल्व किया जा सकता था आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमें जीडीपी एफसी गिवन था 920। सबसे पहले मैंने क्या किया, जीडीपी एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया और जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिया। तो जीडीपी एफसी 920 था और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 80 था, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इसलिए मैंने कैलकुलेट किया है क्योंकि मैं अभी एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ, और एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वैसे तो फॉर्मूले कई तरह के हैं, जो सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखने वाला होता है वो ये वाला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू क्या आता है, जीडीपी एमपी आता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैंने जीडीपी एमपी पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज़ भरनी है, जो जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी थी। तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना था इसीलिए मैंने इसको एक्स मान लिया, और बाकी अगर हम बात करें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारी वैल्यूज़ दे रखी थी, सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू आई 150, यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया 150। उसके बाद हमें इनकम मेथड यूज़ करना था और इनकम मेथड को यूज़ करके ऑपरेटिंग सरप्लस भी कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन में जीडीपी एफसी गिवन था 920। इस जीडीपी एफसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा एनडीपी एफसी। अब एनडीपी एफसी मैंने इसलिए कैलकुलेट किया है जो कि 780 आया है, ताकि मैं इनकम मेथड को डायरेक्टली अप्लाई कर सकूँ इनकम मेथड वाले फॉर्मूले को। इनकम मेथड वाला फॉर्मूला हमारे पास है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड किया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन था 420, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं था उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, मिक्स्ड इनकम 210। एनडीपी एफसी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे 780, यहाँ पे 780 पुट कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 150। तो दोनों के ही आंसर्स 150 आए हैं। तो ये था न्यूमेरिकल वाला पार्ट, बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मुझे लगता है कि आपको उनके आंसर्स आसानी से मिल गए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपकी बुक में से पूछे गए थे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था, उनका आंसर भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था देना। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आंसर किस तरह से लिखना था या उसका आंसर क्या होना चाहिए था, तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई कर दूँगा। पूरा आंसर लिखकर तो नहीं, बट ये है कि थोड़ा आपको हिंट दे दूंगा कि आप इसको किस तरह से लिख सकते थे। तो एक बार आप भी देखिए क्या मैंने जो सॉल्व किया है आपके भी आंसर्स यही आए हैं या नहीं आए हैं। अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो मुझे लगता है इनके आंसर्स यही होने चाहिए थे।